वीडियो में हमने डिस्कस किया था कीपैड की प्रोग्रामिंग के बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो कीपैड की प्रोग्रामिंग मेथड यूज़ की थी वो काफ़ी बेसिक वर्जन थी, वो इजीएस्ट वे हमने यूज़ किया था ताकि कीपैड में प्रोग्रामिंग हम आसान तरीके से कर सकें। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल के पर्पस से बात करते हैं, प्रैक्टिकली जब हमें किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, तो अगर आपको याद होगा मैं यहाँ पर आपको एक पिछला एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं हमने इस इमेज में। देखिए, ये कुछ रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं, ये पुल डाउन रेजिस्टर्स हैं। बेसिकली ये 4.7 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस होते हैं जिन्हें हम एज अ पुल डाउन रजिस्टर यूज करते हैं। मतलब अगर आपने पिछले वीडियो ना देखा हो तो उसे प्लीज देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। तो इसमें हमने पुल डाउन रेजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था, पुल अप रेजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। छोटा सा एक शॉर्ट व्यू मैं रख देता हूँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन रख देता हूँ यहाँ पर। ये बेसिकली ये 4.7 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक के बीच का एक रेजिस्टेंस होता है जो कि शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन डी, पोर्ट डी यूज किया हुआ है। इस पोर्ट डी की जो पिन्स हैं, यहाँ से जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से पावर सप्लाई आती है, और जब हम इस बटन को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो रखने के लिए अगर हम इस पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जब भी हम यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट होकर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड सप्लाई हम देते हैं ये एक पुल डाउन रेजिस्टेंस के थ्रू हम देते हैं ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक वार्निंग का सिंबल देखने को मिलेगा और जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली वैसा रन नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, देखिए अगर आप मार्केट से परचेस करते हैं कीपैड, तो आपको एक सीधा से कीपैड मिलेगा जिसमें 8 पिन दिए हैं जो कि आप डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से अटैच करोगे, कनेक्ट कर लोगे। लेकिन अब रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाए, तो इस रेजिस्टेंस को हम अवॉइड करेंगे, हटाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो प्रोग्रामिंग की मेथड है उसमें हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं, इन रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से हमें ग्राउंड भी नहीं चाहिए। ओके, हमने सारे रेजिस्टेंस को हटा दिया है। अब क्या करना है, जब हमने बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू आ जाए, और जैसे हम बटन को रिलीज करते हैं तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉल्स हमें रेजिस्टेंस तो देना ही होगा, लेकिन ये जो AVR के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं इनमें एक खासियत है, इनमें पुल अप रेजिस्टर होता है इंटरनली। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें इंटरनल कनेक्शन होता है पुल अप रेजिस्टेंस का। मतलब जैसे अभी हमने पुल करके इसे डाउन किया हुआ है, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव सिग्नल के लिए हमने इसे चेक किया है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, नेगेटिव सिग्नल के लिए चेक करना होगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इनकी कंडीशन हाई रहेगी, तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। और हमें प्रोग्रामिंग में ये कंडीशन देनी होगी कि जब इस पर्टिकुलर बिट पर जीरो आता है तब आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले सिंगल बटन के लिए हम इसे प्रोग्रामिंग करेंगे, और उसके बाद फिर हम पूरे कीपैड के टूल से कनेक्ट करेंगे। चलते हैं हम एटमेल स्टूडियो सॉफ्टवेयर पे, नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, क्रिएट करेंगे नया प्रोजेक्ट GCC C एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट, और यहाँ से हमें यूज करना है, इसका नाम दे देते हैं कीपैड विदाउट रजिस्टर। इसकी लोकेशन हमने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, ओके क्लिक करेंगे। देन माइक्रो कंट्रोलर हम सेलेक्ट करेंगे, इस माइक्रो कंट्रोलर पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है। और
सबसे पहले यहाँ से हटा लेता हूँ, जो ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम फुलफिल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 1 MHz की फ्रीक्वेंसी यूज़ करने जा रहा हूँ, तो हैश इसे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, हैश डिफाइन एफ अंडरस्कोर सीपीयू 1 6 टाइम 0 अनसाइंड लॉन्ग, और एक डिले की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो डिले के लिए हम एक हेडर फाइल ले लेते हैं जो कि है util/delay util/delay.h, ये हमारी हेडर फाइल है। अब हमें प्रोग्रामिंग करना है कीपैड के लिए, तो चलिए सॉफ्टवेयर में एक सिमुलेशन में इसका सर्किट हम पहले देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटरनल पुल अप करना है। सबसे पहले तो हमें इंटरनल पुल अप करना है, सबसे पहले तो हमें इंटरनली इसको पुल अप करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे हमारा जो पर्पस है यहाँ से रेजिस्टेंस हटाने का, वो ये है कि ये जो वायर के कनेक्शन हमने 2 पोर्ट में यूज़ किया, अगर आपने बाहर से मॉड्यूल खरीदा, तो देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जब ये मार्केट से मॉड्यूल परचेस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कीपैड ऑर्डिनो के नाम से सर्च किया है, तो आप जब भी मार्केट से परचेस करेंगे तो इस टाइप के कीपैड आप जनरली यूज करेंगे। ओपन कर लेते हैं, ठीक है, 4x4 3x3, इसमें हमें 3 कॉलम्स मिलेंगे, इसमें 4x4 का ये मैट्रिक्स है, तो जिसमें आप कैरेक्टर्स वगैरह भी ABCD वगैरह जो भी आप चलाना चाहो, तो जनरली ये वाला आपको 4x4 का कीपैड आपको जनरली मिल जाता है। तो इसमें देखिए अब चीज़ जो 8 पिन का कनेक्टर है सीधा माइक्रो कंट्रोलर में डायरेक्टली अटैच हो जाता है, तो हमें इसको पॉइंट करके प्रोग्रामिंग करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसकी जो वायर्स हैं इन्हें हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और इनका कनेक्शन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, लास्ट के पिन से कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी 3x4 का ही कीपैड लिया हुआ है, आप इसे भी चला सकते हो, और उसी के हिसाब से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो आपको मैनुअली करके इसको देखना पड़ेगा। कीपैड में अगर 7 पिन आपको अवेलेबल हो पाते हैं तो आपको 7 पिन डायरेक्टली सीधा कनेक्ट करना होगा, जैसे अभी हमने बीच में एक पिन को छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3x4 का भी कीपैड यूज़ करता हूँ तो वो डायरेक्टली इसमें अटैच हो जाए, और काफ़ी हद तक जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो उस कीपैड के अकॉर्डिंग हो जाए। तो फिर आपको उसको चेक कैसे करेंगे, कीज़ को जब आप प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, तो एक बार आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपको उसको फ्लिप करके लगाना पड़ेगा, कीपैड को पलटाकर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पलटाकर मतलब कैसा, कि P0 वाला पिन को P7 वाले पिन से स्वाइपिंग करानी होगी, तो वैसे स्वैप करा के जो ये वाला पिन है, ये वाला फर्स्ट वाला वायर है, वो इस वाले वायर से स्वैप कर जाएगा, आपस में बदल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये वाला P0 से लगा हुआ है तो आपको उसको स्वैप करके ये वाला पिन P0 से लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये वाला P0 से लग जाएगा और ये वाला P7 से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आप इसको पलटा के लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कीपैड को चेक कर सकते हो, और अपने प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशन जो भी आप करना चाहो तो आप उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें जो हमारा कनेक्शन है, क्या करना है हमें, PC0 ये क्या करेगा, ये आउटपुट देगा कीपैड को, और यहाँ से नीचे की जो 4 पिन है ये इनपुट लेंगे। तो रेजिस्टेंस हमने कहा नीचे की 4 पिन पे लगाया हुआ था, तो ऊपर की जो 3 पिन है उन्हें हमें आउटपुट डायरेक्शन, इसके लिए सबसे हम पहले लिखेंगे पोर्ट हमने कौन सा यूज किया है, पोर्ट हमने यूज किया है सी, पोर्ट सी में हम कीपैड की इंटरफेसिंग कर रहे हैं, तो DDR C, यहाँ हमारे समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाए इस वजह से मैं यहाँ पर बाइनरी नंबर्स यूज करने जा रहा हूँ, तो 0B स्टैंड्स फॉर बाइनरी नंबर्स, ठीक है, और आउटपुट हमें बनाना है LSB साइड की बिट्स को आउटपुट बनाना है, तो 1 फॉर आउटपुट, ये हो गए LSB साइड की बिट्स। अब बाकी की जो बिट्स हैं उन्हें हमें इनपुट बनाना है, तो ये हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग की जो 4 बिट्स हैं, ये स्टार्टिंग ये 4 बिट्स यहाँ पर हो गई, ठीक है, ये जो बीच का ये वाला पिन है ये हमने कनेक्ट नहीं किया, डिसकनेक्ट है, और ये जो 4 पिन है ये इनपुट डायरेक्शन हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको इंटरनली पुल अप करना है। इंटरनली पुल अप करना काफी आसान है, कोड सी, सिंपली हमें इनको हाई कर देना है। तो इन्हें हाई करना है, ऐड करना है हमें कोड सी। मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज, चलिए शॉर्टकट यूज नहीं करता हूँ, 0B हाई करना है। किसे हाई करना है? स्टार्टिंग की 4 बिट्स को हाई करना है, बाकी की बिट्स को हमें एज इट इज रखना है। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमने इसको आउटपुट डायरेक्शन, इसको तो हमने आउटपुट डायरेक्शन दिया तो ये 0 से असाइन हो चुके हैं, तो हमने इस पर ऑलरेडी 0 ही रखा हुआ है। अब ये वाली बिट्स क्या होंगी, ये वाली बिट्स क्या होंगी, इनसे ऐड हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसको हाई कर देगा। तो हम इसे पहले प्ले करके देख लेते हैं कि ये पुल अप किसने कर दिया है या नहीं है। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जैसे हमने उसे पुल डाउन किया था तो ये क्या हो रहा था, ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा था। ब्लू स्टैंड फॉर ग्राउंड एंड रेड स्टैंड फॉर, यहाँ पर रेड का मतलब है ये लॉजिक हाई दे रहा है 1। तो हम सिमुलेशन में चलते हैं और डेस्कटॉप पे हमने इसका लोकेशन दिया था, तो हम पहले इससे हैक्स फाइल इसे लोकेट करा लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 MHz सेट है ऑलरेडी, और हमने प्रोग्रामिंग में भी 1 MHz ही लिया हुआ है। और जो हमारे की प्रोग्राम का नाम है की पैड विदाउट रजिस्टर, इसका हमें मशीन कोड चाहिए, हैक्स कोड चाहिए। आप कंट्रोलर में भी इस कोड को अपलोड करेंगे तो आपको हैक्स फाइल ही अपलोड करनी होगी। देन प्ले करते हैं। तो देखिए जिसको हमने ये इनपुट बनाया है उसको हमें इंटरनली हाई भी किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए हमने इन सारे पिंस को इनपुट बनाया, तो ये देखिए इंटरनल हाई हो चुके हैं ये, ठीक है, इंटरनली ये हाई हो चुके हैं। और इन्हें हमने आउटपुट डायरेक्शन दिया है तो हमने इन्हें बाय डिफॉल्ट ये 0 हो जाता है जब भी हम आउटपुट डायरेक्शन सेट करते हैं, और ये भी बाय डिफॉल्ट इनपुट ही है, ठीक है। तो हम इसको यूज कर ही नहीं रहे हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर हमने कुछ 0 दिया है या 1 दिया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पहले से स्टॉप कर लेते हैं। तो हमारा कोड क्या कहता है, पिन नंबर जो 1 है, जो पिन नंबर 1 है, ये कीपैड का 1 वाला जो बटन है, इसके लिए हम पहले प्रोग्राम करते हैं। तो यहां से PC2 से हमें सिग्नल देना है 0, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 1 है, ठीक है, यहां ऑलरेडी 1 है, तो यहां से हमें देना है सिग्नल 0। और जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तब ये लॉजिक, जब इसे 0 मिलेगा तब ये यहां पर एक LED को ऑन करेगा। तो चलिए इसे प्रोग्राम देते हैं। इफ हमें कंडीशन क्या देनी है, पिन सी के कौन से, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर बटन पे, सॉरी पर्टिकुलर पिन पे लॉजिक हाई देना है। कीपैड की जो पर्टिकुलर पिन है ना, सबसे पहला काम हमारा है कि इस पर हाई देना है और बाकी इन दोनों पर 0 देना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हमें पैटर्न देना है, तभी हम बटन दबाएंगे तब उसका काम आएगा। तो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इफ वाली जो कंडीशन है इसे चलिए रहने देते हैं। तो हमें क्या करना है, पोर्ट सी एक बिट है जिसे हमें 0 करना है, तो 0 करने के लिए हम एंड इक्वल टू यहां पर एक नॉट का सिंबल यूज करेंगे। किस बिट को हमें 0 करना है, 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय, एक बार और चेक कर लेते हैं किस पिन से कनेक्टेड है, वो PC2 से कनेक्टेड है, ये PC2, चलिए PC2 यहाँ पर हम लिख लेंगे PC2। अब यहाँ से PC2 0 हो चुका है, ये PC2 अब 0 हो गया है। अब बाकी की जो 2 पिन्स हैं पोर्ट सी, इनको हमें हाई करना है। तो जो 2 पिन है, 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय PC0 और साथ में 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय PC1, इन दोनों पिन को हमें हाई रखना है। चेक कर लेते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग को हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलना होगा, अदरवाइज क्या होता है, हम ट्रबल शूट नहीं कर पाते हैं। अगर हमने यहां पर ही कोई गलती की होगी तो हम इसे यहीं पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि हमने अभी यहां पर इसे इनकम्प्लीट करके लिखा हुआ है,
करेंगे, ठीक है, ये बिल्ड हो गया है, इसे स्टॉप करके प्ले कर लेते हैं, सिमुलेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू आने लग गया, जीरो आ गया। जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला पिन यहाँ तक देखिए ब्लू आ गया, जैसे मैं बटन को प्रेस करूंगा, ये देखिए बटन को प्रेस किया मैंने, अब यहाँ पर जीरो आ गया। मतलब अब हमें प्रोग्रामिंग ऐसी लिखनी है कि जब हम इस बटन को प्रेस करें तो यहाँ पर ये जो पोर्ट बी का पहला पिन है ये वन इंडिकेट करने लगे, वन वाला बिट हाई हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अब पोर्ट बी का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डी डी आर बी इज इक्वल टू जीरो एक्स एफ एफ, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर्स में हमने इसे आउटपुट डायरेक्शन दे दिया, आउटपुट। आप जानते हैं आउटपुट डायरेक्शन हमें क्यों देना होता है, क्योंकि जब तक हम आउटपुट डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक ये करंट माइक्रोकंट्रोलर से बाहर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा बहुत कम मात्रा में निकलेगा, लेकिन हम जैसे हमारे सुनने की भी एक लिमिट होती है ना, कि उससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते और उससे कम हमें सुनाई नहीं देता है, तो वैसे कंट्रोलर के साथ है, बाकी डिवाइसेस के साथ भी है, कि उससे ज़्यादा अगर कम पावर जाता है तो उसको जीरो मान के चलता है वो, ठीक है। तो डायरेक्शन आउटपुट देना ज़रूरी है, अगर आपने आउटपुट डायरेक्शन नहीं दिया तो वहां से करंट तो फ्लो होगा, बाहर तो निकलेगा, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में निकलेगा कि कंट्रोलर या फिर कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी सेंसर उसको वन नहीं समझ पाएगा, उसको जीरो मान के चलेगा, जीरो कंसिडर करेगा उसको, ठीक है। तो अब हमें इसे एक कंडीशन देनी है, इफ पिन सी का कौन सा बटन था वो जिस पर बटन प्रेस करने पर लॉजिक जीरो पहुंच रहा था, ये अगर हम बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये जा रहा है C4, PC4, पिन सी एंड वन लेफ्ट शिफ्टेड बाय PC4। अगर PC4 पे देखिए हमें क्या करना है, जीरो चेक करना है, लेकिन अभी तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये तो वन के लिए है, तो हम इसे जीरो के लिए बना देंगे। जीरो बनाना काफी आसान है, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट में इसको कवर किया और यहाँ पर नॉट लगा दिया, ठीक है, लॉजिकल नॉट है ये, तो अभी तक ये वन के लिए चेक कर रहा था, अब ये जीरो के लिए चेक करेगा, ठीक है, काफी आसान है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लॉजिकल नॉट लगा दिया, तब मतलब ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये कंडीशन को चेक करता है, इसका जो रिजल्ट आता है ना, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने लगाया है, इसका रिजल्ट अगर वन आएगा तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर इसका पूरे का रिजल्ट अगर जीरो आया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बटन दबाया हमने तो जब तक हमने इसको नहीं लगाया था, देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं, हमने इसे हटा दिया, तो अभी क्या होगा, जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जीरो आ रहा है उस पे, बटन हम दबाते हैं तो जीरो आता है, बटन हमने छोड़ दी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, तब कंडीशन ये ट्रू होगी, ऐसा हम चाहते नहीं, हम चाहते कि जब हम बटन दबाएं तब जाके कंडीशन उसकी ट्रू हो, तब इफ के अंदर आए जब हम बटन दबाएं, और बटन दबाने पे क्या जा रहा है, जीरो, तो इसका जो ऑपरेशन है अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट वन है, हमें इसको क्या करना है, जीरो, तो वन को जीरो करने के लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, हमने इसको पलटा दिया, अभी ये जीरो है, अब ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब हम बटन को दबाएंगे, बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पिन पे जीरो आ जाएगा, बटन दबाया तो हमने क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पिन पे क्या होता है, जीरो आ जाता है बटन दबाने से, ठीक है, तो जब हम बटन दबाएंगे तो यहां पे जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो को ये जो नॉट ऑपरेटर है क्या कर देगा, वन बना देगा, तो वन बना दिया मतलब इफ के अंदर का ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ना, ये क्या बोलेगा, इसके अंदर का बुलियन का रिजल्ट क्या आया, वन आया, ट्रू हो गया, तो ट्रू जैसे हो गया तो इफ के अंदर आ गया, जैसे ये इफ के अंदर आएगा तो हम इससे कहेंगे कि आप एक काम करिए, पोर्ट बी पर जाइए और वहां पर एक बटन है, एक पिन है, उस पे आप वन का बाइनरी लिख दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, उससे बोला कि जैसे अगर यहाँ पर एक कोई ये कंडीशन ट्रू होती है तो पोर्ट बी पे आप वन का बाइनरी लिख दीजिए, ठीक है, और अभी एल्स में नहीं, अभी इसको इतना ही चला कर देखते हैं, लेकिन हमें इफ हमेशा याद रखना होगा कि इफ वाली जो कंडीशन होती है हमें क्या करना होगा, व्हाइल लूप के अंदर रखनी होती है, तो यहां तक का जो हमारा सेटअप था इसे हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इफ को अभी रख लेते हैं फिलहाल व्हाइल के अंदर, आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे। व्हाइल ब्रैकेट ओपन, और ये जो पूरी हमारी कंडीशन है ये व्हाइल के अंदर रहेगी, इसे थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेते हैं, ये देखने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इस कोड को हम बिल्ड करके दोबारा चेक करते हैं,
देखिए कोड बिल्ड हो चुका है, चलते हैं कोड पे, इसे स्टॉप करके हमें प्ले करना होगा ताकि नया मशीन कोड इस पे आ जाए। ठीक है, अभी देखिए हमने आउटपुट डायरेक्शन दिया है तो यहाँ पर देखिए सारे ब्लू हो चुके हैं, सारे ब्लू हो चुके हैं। अब हम जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट वाला रेड होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये कंडीशन यहाँ पर जैसे ही जीरो आएगा तो जीरो डिटेक्ट करके यहाँ पे ये वन दे देगा। देखिए प्रेस किया बटन, यहाँ पर वन आ गया है। ठीक है, रिलीज किया तो अभी भी वन है, हमने तो रिलीज कर दिया लेकिन बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई एक रोबोट है, इसको जो हम जो बोलेंगे वही करेगा। रोबोट मूवी तो देखी होगी, उसको बोला था चिट्टी से, बोला था कि आप टीवी खोल दो, तो उसने उठा के टीवी खोल डाला। अब उसको फिर उसने बाद में उसकी प्रोग्रामिंग को स्मार्ट किया, तो हमें भी अपने चिट्टी को स्मार्ट करना होगा। अब बोलना होगा कि एल्स, अगर मैंने बटन को रिलीज कर दिया, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप वन करो, एल्स पोर्ट बी पर इज इक्वल टू जीरो का बाइनरी लिख दो। जीरो मतलब जीरो 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 जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है। अब भले ये 8 बिट का रजिस्टर हो या फिर 16 बिट का हो, 16 बिट का रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर, आप समझ पा रहे हैं क्या है। पोर्ट बी हमने नाम लिया तो इसमें कितने पिन है, 8 पिन है, मतलब ये 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट होता है रजिस्टर, ये 8 बिट का रजिस्टर है। अगर ARM का कंट्रोलर आप यूज कर रहे होते तो उसमें 16 बिट का रजिस्टर होता है एक रजिस्टर। ठीक है, 32 पिन मिल जाते हैं, 40 पिन का कंट्रोलर होगा, दो पोर्ट बस होते हैं उसमें P0 और P1, तो ये सिर्फ हमारे पास 8 बिट का ही है, तो जितना भी जीरो है 8ों पे जीरो जाएगा। अगर ये 16 बिट का होता, दूसरा कंट्रोलर होता, तो 16 की 16 पिन जीरो हो जाते हैं। तो सिमुलेशन पे हम जाते हैं, स्टॉप करके हम इसे प्ले करेंगे। तो हमने कंडीशन दी है कि जब हम बटन को दबाएंगे तब ये वाला फर्स्ट वाला देखो LED ऑन हो गया है, हम जैसे ही बटन को रिलीज करेंगे तो ये बंद होना चाहिए। देखिए हमने बटन रिलीज कर दिया तो देखिए बंद हो गया। ठीक है, तो हमारा ये जो टास्क है बिना रजिस्टर को, पुल डाउन रजिस्टर यूज किए कीपैड को चलाना, तो ये हो गया है। अब हम ऐसे ही प्रोग्रामिंग क्या करेंगे बाकी के कॉलम्स के लिए, पहले तो इस कंप्लीट कॉलम के लिए करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम पे स्विच करेंगे। चलते हैं कोडिंग में, तो यहां पर हमने इसे कहा था, फिर से हमें कंडीशन देनी होगी एल्स के साथ, क्योंकि एल्स इफ और एल्स का, एल्स इफ का जो लेडर होता है वो क्या करता है, जो कंडीशन हमारी ट्रू होगी ना तो उसको एग्जीक्यूट करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा आएगा तो मतलब इसे जो पहली कंडीशन ट्रू मिलेगी, सपोज आपने 2-3 बटन एक साथ दबा दिया तो सबसे पहला नंबर जिसका आएगा उसको ट्रू करके एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने सिर्फ इफ 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 का लेटर बनाया तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे बिट्स को चेक करता जाएगा, हर एक बिट्स को चेक करके उसके अकॉर्डिंग डेटा देता ही चला जाएगा और फिर आउटपुट जो आप समझ सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इफ एल्स इफ का लेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जो भी ट्राई करना हो, तो मैं इसे सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करूंगा, और बड़ी आसानी से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, और इसे PC4 की जगह PC5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाली कॉलम की बात करें, कॉलम के नीचे वाली बिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ऐसा होती है, अगर ये वाली कंडीशन आती है तो क्या करना है, यहाँ पर हमें पोर्ट बी इज इक्वल टू, अब देखिए मैं बाइनरी लिखूंगा तो शायद हो सकता है अगर आप नए हैं तो आपको प्रॉब्लम जाए बाइनरी में, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। पिन नंबर 9 तो नहीं है इसमें, 8 बिट का रजिस्टर हो ना, 0 मिलेगा इसमें, तो यहाँ हम 0 बटन दबाएंगे तो पूरी की पूरी नीली हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। 9 दबाएंगे तो 9 का बाइनरी बस एक बार हम इसमें रखेंगे, बाकी 8 दबाया तो 8 नंबर की पिन, 7 दबाया तो 7 नंबर की पिन, 5 दबाया तो 5 नंबर की पिन, ऐसा हमें प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बटन है हमारे पास 4 नंबर की है। ठीक है, तो जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला बिट हाई मैनिपुलेट हो रहा है, देखिए PC5 हो रहा है, PC5 के ऊपर वाला बटन है। ठीक है, ऊपर वाली बिंदी होती है, तो जैसे इसे दबा रहे तो PC5 चेक कर रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर PC5 लिखा है। तो जब हम PC5 को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, PC कौन सा बटन होना चाहिए हाई, चौथे नंबर का बटन होना चाहिए हाई, तो चौथे नंबर के बटन का नाम क्या है, PB5। ठीक है, देखिए PB3 चौथे नंबर का बटन का नाम है PB3, तो हम PB3 को यहाँ पर हाई करेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय PB3।
ठीक है। देखिए यहाँ पर हम और ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पुराने डाटा को डिलीट करता है और नए वाले से ओवरराइट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ज्यादा हमको मेहनत ना करनी पड़े, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से यूज किया है। और इसे भी हम सही कर लेते हैं, वन लेफ्ट शिफ्टेड बाय पीवी वन रखना होगा, पीवी जीरो रखना होगा, ठीक है, क्यों रखना होगा आप समझ गए होंगे, पीवी जीरो वाला बिट कौन सा है, अगर हमने वन दबाया, ठीक है, कीपैड से अगर हमने वन दबाया तो पहला पिन ऑन हो, इसलिए हमने पीवी जीरो को हाईलाइट किया, ठीक है। अगर यहां से फोर दबाएंगे तो कौन सा, पीवी थ्री ऑन होगा, मतलब चौथे नंबर की पिन हाईलाइट होगी, हम ये नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो चलिए फटाक से चलते हैं कोडिंग में, बिना देर किए हुए इसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, बिल्ड हो चुका है, अब देखते हैं जादू। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स एक जादू है। What is electronics? Electronics is a जादू। देखिए फर्स्ट वाला बटन दबाएंगे तो देखिए पहला वाला PV0 हाई हो रहा है। अब जैसे ही चार नंबर दबाएंगे तो चार नंबर का LED ऑन होना चाहिए। तो देखिए चार नंबर का LED ऑन हो रहा है, ये बटन को दबाया मैंने, चार नंबर का LED ऑन हो गया, ये बटन को रिलीज कर दिया, चार नंबर का LED बंद हो गया। फर्स्ट वाला दबाया, एक नंबर का LED ऑन हो गया, रिलीज कर दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी की दो बटन्स को भी फटाक से प्रोग्राम कर लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग को बढ़ाना काफ़ी आसान है, बस शुरुआत में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लॉजिक लगाने में। तो मैंने दो बार इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है और ये PC5 की जगह मैं कर दूंगा PC6 और यहाँ पे PC7, ठीक है। अब हमें टारगेट करना है कौन सी बिट को, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, यहाँ पर मैं सॉरी 4 नहीं करेंगे, कौन सा बाइनरी देना हमें, 7 का, ठीक है। और स्टार का बाइनरी तो सॉरी 7 का बाइनरी देना है तो कौन सी बिट, PV6 को हमें हाई करना होगा, PV6 को हमें हाई करना होगा। और PC7 जब दबाएंगे तो देखिए स्टार का बाइनरी नहीं आएगा, हम यहाँ पर कैरेक्टर में स्टार लिख देते हैं, ठीक है, सिंगल कोट्स में स्टार लिख देते हैं। तो स्टार इस कार का ASCII टेबल के अकॉर्डिंग जो भी बाइनरी होगा वहाँ पे बहुत सारी बिंदियाँ आ जाएंगी, ठीक है, उस पैटर्न में LED ऑन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए इसको हम इसलिए बार बार चेक कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी के दो कॉलम्स हैं ना उनके लिए हमें पूरा का पूरा चारों का हमें हर काम की शुरुआत में ही मेहनत लगती है और जब वो बन जाती है तो फिर तो मज़े ही मज़े। स्टॉप करके प्ले किया, ठीक है, वन दबाया, देखिए वन दबाया पहला LED, फोर दबाया चौथा LED, सेवन दबाया सेवन नंबर का LED ऑन हो गया, ठीक है। अब स्टार दबाएंगे तो देखिए स्टार पैटर्न में कितने सारे LED ऑन हो गए, है ना, हालांकि LED मैंने लगाई नहीं है यहाँ पे, ये बिंदी दिख रही है, SMD LED आप समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो अब चलिए बाकी कॉलम्स की बात करते हैं, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं फटाक से बाकी कॉलम्स में। तो सबसे पहले मैं इसे छोटा करूँगा, ठीक है, ताकि इसे देखना आसान हो जाए। अभी देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हमें क्या होना होगा, इसमें स्कैनिंग करनी होगी कि ये एक बार इससे पूछेगा, एक बार इससे पूछेगा, एक बार इससे पूछेगा, क्यों, क्योंकि हमने बटन दबाए तो रो तो यही वाली है ना, इनपुट पिन्स तो सिर्फ चार ही है, ठीक है, बाकी और अलग से हमने इनपुट पिन नहीं लिए हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, पहले एक बार इस पे हाई करना होगा, तब हमें पूछना पड़ेगा अभी इनमें से कौन सा हाई है, ठीक है। यहाँ से पानी डाला, पानी का एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, सपोज इस वाले पाइपलाइन से पानी आ रहा है, हमने जब भी बटन दबाया तो 7 नंबर का आ गया यहाँ पे, ठीक है, 7 नंबर का रंग आ गया। अगर हमने फिर हमने क्या किया, इसका नोजल बंद किया, फिर इसका नोजल चालू किया, यहाँ से अगर हमने कोई भी बटन दबाया, अभी वाला नोजल से पानी आ रहा है, ठीक है, तो हमने सपोज 5 दबा दिया तो क्या होगा, 5 नंबर का रंग आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने अभी बटन दबाई नहीं तो क्या करेगा, एक बार इसमें पानी डालेगा, इसमें डालेगा पानी, इसमें डालेगा पानी, तो ऐसे करके क्या करेगा, सब में बारी बारी पानी को फ्लो करेगा ये, लेकिन पानी यहाँ से निकलेगा नहीं, निकलेगा कब, जब हम बटन को दबाएंगे, ठीक है, जब हम बटन को दबाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी रेड है ना, मतलब इसका नोजल बंद है, बटन दबाएंगे तो यहाँ पर रेड ही रहेगा, यहाँ पर इसमें जहाँ भी हम बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से पानी की सप्लाई चालू है, ठीक है। तो बारी बारी हमें पानी की सप्लाई चालू करनी पड़ेगी और उस ड्यूरेशन में है, सपोज अभी क्या है, बार बार पानी इधर उधर आता रहेगा, देखिए बहुत स्पीड से चलेगा ये, ठीक है, यहीं पे फंडा है इसका समझने का।
बहुत स्पीड से चलता रहेगा, हमने जोन सा नोजल चालू कर दिया है, अब इसमें जितने बार भी पानी आएगा वहां से पानी निकल निकल के निकल निकल के इसमें आता जाएगा। ये इतनी स्पीड से होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें ये बिना किसी इंटरप्ट के चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आपने जो डिजिटल वॉच देखी होगी आपकी घरों में होती है ना, जिसमें 7 सेगमेंट लगा होता है, डिजिटल वॉच जो होती है, दीवार वॉल वॉच की मैं बात कर रहा हूँ, दीवार में जो टंगी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा ही होता है एट अ टाइम ना एक ही डिजिट चालू होता है, लेकिन हमें कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे चारों के चारों डिजिट चालू है उसमें, चारों या पाँचों या दसों जितने भी अपने टाइम और डेट भी अगर उसमें लिखी हुई हो तो हमें क्या करना होगा, यही चीज़ इसमें वाइल के अंदर रखनी होगी, मेन फंडा ये है। इससे पहले हम स्पेस बना लेते हैं, ये चीज़ हमें, इसे क्या होता है, पहला कॉलम हमने सिलेक्ट किया, इसको उठा के हमने क्या किया, अंदर रख दिया, ठीक है। ये होता है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख दूँ वन एलिमेंट, ठीक है, ज़्यादा स्पेलिंग मेहनत नहीं करते, कॉलम फर्स्ट कॉलम के लिए है। अब इसे पूरा हम कॉपी करेंगे, एल्स वाला नीचे है, एल्स वाला अभी नीचे है, कॉपी किया नीचे आए और थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं सेंटर वाला, ताकि हम अलग से देख पाएं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए मैं कोड को और छोटा कर रहा हूँ, अभी ये फर्स्ट वाला कॉलम हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर, फिर सेकंड वाला कॉलम हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड वाला कॉलम बनाएंगे, तो पहले अभी सेकंड वाले पे काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉलम भी बदलना पड़ेगा हमें, सेकंड वाला कॉलम है, तो सेकंड वाले कॉलम में किसको हमें जीरो करना है, इस वाली पिन को जीरो देना, तो ये वाली किस पे है, पीसी वन पे है, बाकी दोनों हाई, ठीक है। इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पीसी वन, और यहाँ पर ये पीसी जीरो जीरो रहने देते हैं, यहाँ पर देखिए पीसी वन है, तो क्या बचा, अभी पीसी टू बचा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सेकंड कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब पहला पिन अगर हाई होता है तो कौन सा क्या आना चाहिए, उस पर दो नंबर आना चाहिए, तो दो के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर कौन सी बिट को, पीवी वन को हाई करना होगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, और अगर इसको हमें हाई करना है तो दो कहाँ पर आएगा, दो नंबर का एलईडी पीवी वन पे है, ठीक है, तो इसलिए दो नंबर से हम दो ये वाला एलईडी चलाना चाह रहे हैं, तो पीवी वन को हमने हाई किया है। फिर इसके बाद कीपैड के बाद कौन सा नंबर है, पांच नंबर का है, तो पांच नंबर किस पे आएगा, पीवी फोर पे आता है, ठीक है, गलत होगा तो हमें पता चल जाएगा, कंट्रोलर हमें बताएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पांच के नीचे क्या आता है, आठ आता है, तो आठ के लिए, आठ नंबर दबाने के लिए क्या होता है, पीवी सेवन को हमें दबाना है, पीवी सेवन पे डेटा डालना है, और अगर फिर आठ के नीचे क्या आता है, कीपैड में जीरो आता है, तो जीरो आता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लिख देते हैं, ताकि जीरो मतलब पूरा का पूरा पोर्ट नीला हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी डिसाइड किया था। तो इसको भी पूरा मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, ये सेकंड कॉलम की प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस लिया मैंने, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कॉलम थ्री के लिए, लिखा कॉलम थ्री, कॉलम थ्री किसके लिए, कॉलम थ्री पे कौन सा बिट कनेक्ट है, कॉलम थ्री पीसी जीरो से जा रहा है, ठीक है, बाकी के दोनों हाई, तो पीसी जीरो को हमें जीरो करना है, बाकी के वन और टू को हमें हाई करना है, ठीक है। अब ये कॉलम थ्री सेट हो गया, तो थर्ड कॉलम में थ्री को हाई करने के लिए पीसी ये फोर नंबर को हमें हाई करना होगा, फोर नंबर को ही ना कंफ्यूजन आ जाती है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थ्री थ्री कहाँ पर है, पीवी टू पे, सॉरी, ठीक है, ये डाउट हो रहा था, क्या खोल रहा हूँ, किसको हाई करना था, पीवी टू पे, मेरी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है कभी कभी। फिर पीसी फाइव, थ्री के नीचे कौन सा है, सिक्स है, सिक्स से मतलब एक नंबर घटा के करना है ना, सॉरी ये फाइव आ जाएगा, सिक्स, सिक्स के नीचे क्या आता है, नाइन आएगा, नाइन आएगा मतलब नाइन के केस में तो नाइन वाला तो बिट ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने बोला था आपसे कि हम यहाँ नाइन का बाइनरी लिख देंगे, तो यहाँ पे सीधा इज इक्वल टू नाइन लिख दिया, तो नाइन का बाइनरी आ गया, ठीक है। अब उसके नीचे नाइन के नीचे क्या आता है, हैश आता है, तो हैश को हमने कैरेक्टर में दे देना है, वरना क्या बोलेगा, इनवैलिड कैरेक्टर, अनडिफाइंड कैरेक्टर, है ना, डिफाइन करने बोल देगा अगर हमने वैसा नहीं किया। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, अब हम कोड को चेक कर लेते हैं, क्या ये वैसा ही चल रहा है जैसा हम चाहते हैं या नहीं, चलते हैं सिमुलेशन पे, स्टॉप करके प्ले किया, अब देखिए वन दबाया, वन चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रही है यहाँ पर, वन 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 जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो ऐसा हो रहा है,
ठीक है, हम ये नहीं चाहते। टू दबाया तो टू भी फ्लैश हो रहा है, 1010 हो रहा है। थ्री दबाया तो थ्री भी फ्लैश हो रहा है, लेकिन प्रोग्रामिंग हमारी सही है, ठीक है। छः नंबर दबाया तो छः नंबर का एलईडी, नाइन दबाया तो नाइन का बाइनरी, आठ दबाया तो आठ नंबर का एलईडी, सात दबाया तो सात नंबर का एलईडी, पाँच दबाया तो पाँच नंबर का एलईडी, चार दबाया तो चार नंबर का एलईडी, ठीक है। स्टार दबाया तो स्टार का पैटर्न, जीरो दबाया तो सारे जीरो, ठीक है। हैश दबाया तो हैश का पैटर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैशिंग हो रही है, यहाँ देखिए स्कैनिंग हो रही है ना। हम चाहते हैं कि जब तक हम इस बटन को दबा कर रखते हैं तब तक यहाँ पे यही अटका रहे, ये 10 हो रहा है ना, ये ना हो, तो इसे हम कहते हैं डीबाउंसिंग, ठीक है। इसे हम कहते हैं डीबाउंसिंग। तो डीबाउंसिंग कैसे कराते हैं, व्हाइल को यूज करके, या फिर आप एक बहुत ही आसान सा मेथड है, यहाँ पर बहुत ही आसान सा मेथड है, एक छोटा सा डिले आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी फोन लगाते हो तो बटन को दबा के तो नहीं रखते हो, जैसे आपको 989345 लिखना हुआ तो 9 दबा के ही रखे, 9 दबाए जा रहे हैं, ऐसा तो आप करते नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, 9 को दबाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो क्या करना है, या फिर कुछ कैलकुलेटर में ऐसा होता है ना, 9 दबाया तो एक एक सेकेंड के बाद टिप 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 ऐसे 9 आता ही जाता है, आता ही जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इन्होंने डिले दिया हुआ होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक डिले यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर डिले यूज कर सकते हैं, 400 मिलीसेकंड का ले लेते हैं, ठीक है। हर कमांड के बाद आप यहाँ पर डिले यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डीबाउंसिंग में यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, कमेंट करके लिख देता हूँ, डीबाउंसिंग कैसे होती है, वाइल 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 मतलब वाइल तो अभी इनफाइनाइट लूप हो जाता है, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो फंसा के रखेगा, वो कहीं जाने नहीं देगा। वाइल जब तक कि ये कंडीशन है, ठीक है, कॉपी और पेस्ट, सीधा सा सिंपल सा है, और यहाँ पे सेमी कोलन दे दो कि जब तक कि ये कंडीशन है, भाई हमने बटन दबाया तब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या करेगा, वाइल इसको पकड़ के रखेगा, कहीं नहीं जाने देगा। तो क्या होगा आउटपुट, ये वाला जो पैटर्न है यही बस चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि इसने वही चला के छोड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से डीबाउंसिंग इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम डीबाउंसिंग, ठीक है। तो चलिए इसे हम फटाक से एक में और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसे हम चलाकर देखते हैं। अभी कहीं जाइएगा मत, अभी हमें कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि सारी मेहनत तो कर ली, लास्ट में जब हमें क्रीम निकालनी होती है, मलाइयाँ बटोरनी होती है, तब अगर आप चले जाएंगे तो क्रीम रह जाएगी, स्टार्टिंग का जो खतरनाक वाला रहता है स्टफ वो मिलेगा, और क्रीम कोई और बटोर लेगा, ठीक है। तो इसे स्टॉप करके हम प्ले करते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले बटन के लिए किया था, देखिए, ठीक है, अभी जो फ्लैशिंग हो रही थी वो फ्लैशिंग होना बंद हो जाएगी, बाकी में फ्लैश होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्रीम की जो मैं बात कर रहा था, वो क्रीम ये है कि इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम इस बटन को प्रेस करें तो ये जो डाटा है, अभी तो हमने बाइनरी नंबर्स देखा है, तो ये जो डाटा हमें एलसीडी पे देखना है, ठीक है, ये जो 1 हमने प्रेस किया तो 1 हमें लिखकर कहीं डिस्प्ले हो, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, तो प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, कहीं जाइएगा मत, और इस यहाँ पर एक लाइक का बटन है उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरा वीडियोस अच्छे तरीके से रैंक होने लगे और आप लोगों की मैं हिंदी में हेल्प कर पाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आगे हम बात करेंगे नए और भी एडवांस प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जो भी हमें, आपको अगर इसे डाउनलोड करना है, ये कोड अगर आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए, तो सिंपली है, मैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम दे दूंगा आपको, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा कोड डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर appcrop.com, ABCROB, ठीक है, ABCROB, ये हमारी एक वेबसाइट है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, और मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे एक फीचर डाला हुआ है कि आप आसानी से कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपको ब्लॉग पे जाना है, यहाँ पे ब्लॉग पे जाना है आपको, यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके साथ में वीडियोस जो भी आप देख रहे हैं,
वीडियो, ये वीडियो भी इनके साथ अवेलेबल है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सॉरी इसमें तो वीडियो नहीं है, यहाँ पर है वीडियो, यूआरट प्रोग्रामिंग इन सी, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। UART मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि अभी आप कीपैड समझ रहे हैं, तो कीपैड पे अगर आपको कोड को आगे बढ़ाना है कि आपने सपोज वन प्रेस कर दिया और वन, ये जो वन है कीपैड से वन है, ये कहाँ पर चला जाए कि जैसे आपने वन प्रेस किया तो आपके फ्रेंड को SMS चला जाए, आपने टू प्रेस किया तो आपके घर पे जो लाइट है वो चालू हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप कुछ चलाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल आपको कोड मिल जाएगा, ये कोड है, तो यहाँ से कॉपी करना हो तो ठीक है, या फिर आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है, बस आपको सर्च नहीं करना है सॉफ्टवेयर, सिंपली आप इस पर ये ऑफलाइन वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, 800 MB का है। अगर आपको देखो ये डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, अगर आपने ऑनलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड कर लिया ना तो उस टाइम के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा 2.5 MB का, और उसके बाद ये तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, चाहे इसके थ्रू करें या फिर डायरेक्टली करें, तो बेटर होगा आप डायरेक्टली कर लें। तो ये सर्किट है, किस तरीके से इसका कनेक्शन है, यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएगी, और फिर से आपको अगर वीडियो देखना हो तो यहाँ से आप इस लिंक से वीडियो भी देख सकते हैं। So please subscribe this channel. Thank you everyone. Thank you very much. Best of luck.